हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग और उसके फीचर्स के रिगार्डिंग। जैसा कि हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर देखा था कि 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। और आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग और उसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के रिगार्डिंग। सो डिस्कस करते हैं कि क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस सोसाइटी को बनाने के फायदे क्या होते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग के रिगार्डिंग। अब देखिए, यहाँ जो टर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो टर्म है कोऑपरेटिव, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, बहुत वी कैन से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला टर्म है। कोऑपरेट जैसे बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प करना, मतलब हेल्पिंग टुगेदर। तो एक ऐसी सोसाइटी जो जनरली क्या है, लोग मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए बनाते हैं। और देखिए, हेल्प है यहाँ पर, लेकिन हम तो बिजनेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस तो प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पर प्रायर मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट होगा सेकेंडरी। ऐसा नहीं है प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक है, लेकिन एक्चुअल में वो इकोनॉमिक इंटेंशन सेकेंडरी रखा गया है। जो मेन प्रायोरिटी है वो सोशल वेलफेयर और सर्विस मोटिव को दी गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा मतलब एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब एक संगठन है, एसोसिएशन है पर्संस का, जो जनरली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और किसके लिए काम करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोसाइटी को बनाने का, सोशल वेलफेयर इंश्योर करना, सोशल मोटिव या वी कैन से सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, या प्रॉस्पेरिटी लेकर आना, कुछ भी हम बोल सकते हैं, सोसाइटी को सर्व करना। सो एक्चुअल में ये सोसाइटी जब बनाई जाती हैं तो इनको बनाने के लिए कम से कम हमें कितने लोग चाहिए होंगे, 10 पर्सन चाहिए। देखिए मीनिंग लिखा हुआ है कि वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और इन सोसाइटी को बनाने का मकसद क्या होगा, सोसाइटी को ही सर्व करना या सोशल वेलफेयर करना। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें मिनिमम नंबर की, कम से कम कितने लोग चाहिए होंगे इस सोसाइटी को बनाने के लिए, सो रिक्वायरमेंट इज 10, कम से कम 10 आपको क्या है इंडिविजुअल मेंबर्स चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट है ही नहीं, मतलब कितने भी हो सकते हैं भाई, अच्छा काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो जो आए वेलकम, ठीक है, अनलिमिटेड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अगर हम इसकी बात करें कि क्या फीचर होते होंगे, अभी हम एडवांटेज की बात नहीं कर रहे, इस सोसाइटी को बनाने का फायदा क्या होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पॉइंट कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि क्या है मेन। देखिए वॉलंटरी एसोसिएशन, ऐसे जबरदस्ती किसी को क्या कर लिया जाएगा, मेंबर बना लिया जाएगा, नहीं, लोग अपनी मर्जी से, देखिए हेल्प ही है तो हम किसी की मदद जबरदस्ती वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, अपने दिल से अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं ना। अब दूसरे के फोर्स के हिसाब से तो हम जनरली क्या है, एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं, मदद जो करें हेल्प करें वो वॉलंटरी है। तो यहाँ पर एक ऐसा एसोसिएशन है पर्सन का जो अपनी मर्जी से म्यूचुअल हेल्प की फीलिंग के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इट बिकम द मेजर कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा देखिए, यहाँ जो मेंबर हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, सारे काम होंगे, डिसीजन मेकिंग होगा, तो उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर होंगे, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। मतलब मान लीजिए 12 लोगों ने मिलकर कोई एक सोसाइटी बनाई है, और उसमें से किसी ने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करा, किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख 20,000, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करा है या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है उसका वोटिंग स्टेक जो है ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, हर किसी का राइट क्या होगा, इक्वल होगा, काम होगा यहाँ पर 1 मेंबर 1 वोट के हिसाब से। मतलब देयर शुड बी इक्वल वोटिंग राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या है, 1 मेंबर 1 वोट, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट दिए जाएंगे। इसके अलावा
मेन मोटिव क्या है इसका, सर्विस मोटिव है। अभी डेफिनेशन में भी हमने देखा कि किस पर्पज से बनाई जाती है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू सर्व द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, सोशल मोटिव मतलब सर्विस मोटिव है। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये टर्म सुनकर आपके माइंड में कोई और पॉइंट क्लिक कर रहा है, बिल्कुल सही। कंपनी में बात करी थी हमने, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, टॉप क्लास होनी चाहिए कंपनी, फीचर बताए थे, तो उसमें जनरली क्या था, एक था सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी की पहचान अलग है, उसके ओनर की, उसके मेंबर की पहचान अलग है। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ भी है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखिए जहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब वो बॉडी होती है इनकॉर्पोरेटेड। यस, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड होती है और रजिस्ट्रेशन होता है कंपल्सरी। तो जब हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो क्या मतलब हुआ, इससे फर्दर एक हमें आइडिया मिल गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, कंपल्सरी होगा। यहां पर इसका रजिस्ट्रेशन क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मतलब ये कौन सी बॉडी होगी, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होगी, तभी क्या होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब लीगल लॉ की नज़र में आपकी पहचान अलग और आपके बिजनेस की पहचान अलग कब होगी, जबकि कंपनी आपके कोई भी डिफरेंट फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड है। तो यहाँ बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहाँ फीचर पड़े सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या है, वो इनकॉर्पोरेटेड है, और इनकॉर्पोरेटेड है तो कहाँ होगी रजिस्टर्ड, क्या कंपनी एक्ट में कराएंगे, नहीं भाई कंपनी एक्ट में तो पड़ता सिर्फ तीन टाइप की कंपनी है, सोसाइटी तो कुछ था नहीं, तो कहाँ होगी रजिस्टर्ड, इसका एक अपना सेपरेट एक्ट है, इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बताया था, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। किसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वेरी गुड, इंट्रोडक्शन में बताया था ईयर 1912 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या है, जब रजिस्टर्ड हो गई आपकी लीगल एग्जिस्टेंस और जनरेट हो गया, कंपनी की मतलब सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन अलग होगी, मेंबर की आइडेंटिफिकेशन अलग होगी। इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। देखिए मेन मोटिव सर्विस है, लेकिन मैंने बताया सेकेंडरी प्रॉफिट भी रहेगा, इकोनॉमिक अरे बिजनेस की फॉर्म बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक इंटेंशन कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। फर्स्टली सर्विस मोटिव है नो डाउट, प्रायोरिटी सर्विस मोटिव है नो डाउट, लेकिन सेकेंडरी क्या है, प्रॉफिट है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करें, मतलब सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, आपने क्या करें सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करा, जो प्रॉफिट है वो आपने फर्दर ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने के लिए लगाया है, फिर भी कुछ बचा है तो मेंबर अपने आपस में बांट सकते हैं। अब देखिए बांटने का जो प्रोविजन है वो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, पार्टनरशिप की तरह नहीं होता, यहाँ पर कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा, तो इक्वली बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा, इक्वली भी नहीं। यहाँ पर जो सरप्लस डिवाइड होती है मेंबर्स के बीच, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन के बेसिस पर होती है, कि कौन सा मेंबर कितना एक्टिवली मतलब डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज करने में हेल्प कर रहा है, उसके पार्टिसिपेशन के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सरप्लस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, ना तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, ना ही इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये बन जाते हैं इस तरीके से कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अमंग द मेंबर्स नॉट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो और वी कैन से इक्वल रेशियो, जनरली किसके बेसिस पर, एज पर द अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी जिसका रजिस्ट्रेशन है कंपल्सरी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो जब रजिस्टर्ड हो गए तो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में आपकी सोसाइटी की पहचान अलग, आपके मेंबर्स की पहचान अलग होगी। सर्विस मोटिव है जो मेन मकसद है सोसाइटी को बनाने का, वो पहले है सोसाइटी की हेल्प करना और उसके साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना। एंड इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब यहाँ ये है कि जितने भी मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबके पास होगा वन मेंबर वन वोट वाला कॉन्सेप्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और मीनिंग हमने देखा कि ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें कम से कम 10 लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई लिमिट नहीं है, अच्छा काम है, सोशल वेलफेयर सब आइए, वेलकम है सबका, ठीक है। और बेसिकली का मेन मोटिव है सोसाइटी को सर्व करना, प्रॉफिट है सेकेंडरी। आज की वीडियो में सिर्फ हमने इसके मीनिंग और फीचर्स को डिस्कस करा है, आप जुड़े रहें और वीडियोज़ के रिगार्डिंग वेट करें, जनरली हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस फैक्टर को। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।